दोस्तों, अगर आप लोगों के भी विंडो 11 में प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी ऑप्शन मिसिंग है तो आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को बिना स्किप कर देखते रहिए। सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में विंडो 11 है, आप देख सकते हैं। मैं प्रॉपर्टी में दिखाता हूँ, आपके लिए देख सकते हैं लिखा हुआ है विंडो 11 प्रो। अब आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अगर मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑल सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ पे अपन आते हैं डिस्प्ले पे, सिस्टम सेटिंग पे, और यहाँ लिखा है प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन मिसिंग है। तो ये प्रॉब्लम काफी लोगों के साथ आ रही है विंडो 11 में, है ना दोस्तों। अब इसको सही कैसे करते हैं, अगर ये वीडियो आप बिना स्क्रिप्ट पे पूरा देखेंगे तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सही कर लेंगे। चलिए आपको बताते हैं सही कैसे करना है। ध्यान दीजिए, पूरा अपन कंप्यूटर को मतलब पूरा पूरी विंडो क्लोज कर देंगे, कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है। सिंपल, आपको अपने विंडो 11 की सेटिंग में आना होता है। सेटिंग में आने के लिए करना क्या होता है, अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ कुछ बाय डिफॉल्ट आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, कुछ लोगो देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है नहीं दिख रहे हो तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। एक्सपेंड पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ लोकेशन वगैरह, नाइट मोड, हॉस्पिटल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑल सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, सिस्टम, डिवाइस, फोन, नेटवर्क, इंटरनेट, है ना। तो आप देख पाएंगे ऐप, अकाउंट, टाइम, लैंग्वेज, गेमिंग, तो काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सर्च, प्राइवेसी, अपडेट एंड सिक्योरिटी। तो आपको एक ऑप्शन देखना, ध्यान दीजिए, जिस पे लिखा हुआ है ऐप और नीचे लिखा है अनइंस्टॉल डिफॉल्ट ऑप्शनल फीचर्स, तो आप देख पाएंगे लिखा हुआ है ऐप्स, तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में, ये देखिए ये वाला सिस्टम, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपल आपको आना है ऐप एंड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा। डायरेक्टली भी ऐसा खुल जाता है, हो सकता है आपके ये ऑप्शन खुला हो, ये खुला हो, ये खुला हो, लेकिन आपको आना है ऐप एंड फीचर्स पे क्लिक कीजिएगा। जब ऐप एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं तो ऐप एंड फीचर्स से कुछ ऑप्शन खुल जाते हैं कई सारे। आपको अब करना क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिशियल फीचर, ठीक है दोस्तों, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए आपके सामने ऐसे कई सारे इंटरफेस आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले दिखाना चाहूंगा, पहले अच्छे से देख लीजिए। देखिए बैक आ जाते हैं, अपन बैक आ जाते हैं, बैक आ जाते हैं, समझिएगा। यहाँ अगर आप आते हैं सिस्टम में और प्रोजेक्टिंग डिस्पीसी में, आप देखेंगे यहाँ पर कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है अपने इसको कनेक्ट करने के लिए। अब उसको अपन सही कर रहे हैं, सही करने के लिए आप बैक आते हैं, अपन आप आ जाएंगे ऐप में। ऐप में आने के बाद आपको आना है ऐप एंड फीचर्स पे। ऐप एंड फीचर्स में आप आ जाते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप एंड फीचर्स का, यहाँ लिखा है ऑफिशियल फीचर्स, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे ऑफिशियल फीचर्स खुल चुका है और यहाँ लिखा है ऐड ए फीचर्स। आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आएगा ऐड एंड ऑफिशियल फीचर, तो यहाँ आपको सर्च करना वायरलेस, ठीक है। क्या होगा, वायरलेस सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो आप देख पाएंगे सबसे लास्ट में या कहीं पर भी आपको देखने को मिलता है वायरलेस डिस्प्ले, ये वाला देख पाएंगे ये वाला, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है इंस्टॉल का, आपको इंस्टॉल पर दबा देना है और यहाँ पे आपको चंद सेकंड या चंद मिनट वेट करना होगा। आप देख पाएंगे ये वायरलेस डिस्प्ले अभी इंस्टॉलिंग हो रही है सिस्टम में, तो सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको सामने ऑप्शन दिखाई देगा प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। आप देख पाएंगे वो कंप्यूटर में आ चुका होगा, आपके लैपटॉप में आ चुका होगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो क्या करिएगा, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा, बंद कर चालू कीजिएगा, उसके बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आ रही थी प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी की, वो हट जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी भाई और बहन हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही कई सारी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।